नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे। देश भर की तमाम बड़ी काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की तो बुलेटिन की बात करते हैं। पहली खबर से तो टेस्ला के लिए सेमी कंडक्टर चिप बनाएगी टाटा, कंपनियों के बीच डील। भारत इस महीने कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने का ऐलान कर सकती है टेस्ला। अब टेस्ला की सभी कारों के लिए जो है सेमी कंडक्टर चिप जो है वो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स बनाएगी। वह अमेरिकी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग टेस्ला ने इसके लिए टाटा के साथ डील जो है वो साइन यहाँ पर किया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस डील के तहत टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो टेस्ला के ग्लोबल सप्लाई के लिए चिप मैन्युफैक्चरिंग करेगा। वही ये डील ऐसे समय हुई है जब टेस्ला के मालिक एलन मस्क भारत आने वाले हैं। मस्क प्रधानमंत्री मोदी को भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। न्यूज एजेंसी रिटायर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि मस्क 22 से 27 अप्रैल के बीच भारत आ सकते हैं। इस दौरान टेस्ला के मालिक भारत में कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का ऐलान कर सकते हैं। मस्क ने एक्स पोस्ट में कहा कि पीएम मोदी से मुलाकात का इंतजार है, ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। इससे पहले मस्क 2 बार पीएम मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो थोक महंगाई दर बढ़कर पहुंची है 0.53%, 3 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंची है ये महंगाई। भारत की जो थोक महंगाई जो है मार्च में बढ़कर 0.53% हो गई है। महंगाई का ये जो बीते 3 महीनों का जो उच्चतम स्तर है, वही फरवरी में थोक महंगाई जो है 0.20% थी, यानी 0.20% थी, और जनवरी में 0.27% के आसपास ये थी। वही थोक महंगाई में ये तेजी जो है खाने पीने के सामानों के दाम बढ़ने से आई है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने जो है डेटा रिलीज कर इस बात की जानकारी दी है। एक साल पहले यानी मार्च 2023 की बात करें तो थोक महंगाई तब जो है 1.34% रही थी। वही अप्रैल 2023 से लेकर अक्टूबर 2023 तक महंगाई नेगेटिव जोन में रही। अप्रैल में महंगाई जो है -9.2% यानी -52%, तो वही अक्टूबर 2023 में ये -52% यहाँ पर ये रही थी। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने को बताया है कमिटेड। पीएम मोदी ने जो है वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने को लेकर जो है कमिटेड मीट यहाँ पर उन्होंने बताया है। दरअसल पीएम मोदी ने जो है न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहा कि देश में एक चुनाव हमारी प्रतिबद्धता है, यानी एक देश एक चुनाव हमारी प्रतिबद्धता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी, उस समिति की तरफ से काफ़ी सकारात्मक सुझाव दिए गए। पीएम मोदी ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव हमारी प्रतिबद्धता है, हमने इस बारे में संसद में भी बात यहाँ पर की है। वही पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्ट्रॉनिक्स बॉन्ड स्कीम को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के कारण आपको मनी ट्रेल का पता चल रहा है, किस कंपनी ने पैसा दिया है, उन्होंने पैसा किसे दिया है, पैसा कहां दिया है, इन सवालों के जवाब यहाँ पर मिल पा रहे हैं। उन्होंने इसलिए मैं कहता हूँ कि जब विपक्षी दल ईमानदारी से सोचेंगे तो हर किसी को पछतावा जो है वो होगा। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो गर्मियों में नहीं कटेगी बिजली, सरकार ने इस बार पहले ही कर ली है तैयारी। सरकार ने जो है देश में फिलहाल तापमान बढ़ने लगा है, जिसके चलते जो है बिजली की मांग दिन ब दिन बढ़ रही है। वही देखा जा रहा है कि इस बीच मांग को लेकर पूरा करने के लिए जो है इस बार बिजली की मांग को पूरा करने के लिए सरकार एक महत्वपूर्ण कदम उठाने का ऐलान सरकार ने किया है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ पावर के एक बयान के अनुसार सरकार ने मौजूदा गर्मियों के दौरान देश में ज़्यादा बिजली की मांग को पूरा करने के लिए जो है गैस बेस्ड पावर प्लांट्स चालू करने का फैसला किया है। इस गर्मी में भारत की अधिकतम बिजली की मांग जो है 384 मेगावाट जो यहाँ पर गीगावाट जो है वो होने वाली है। वही इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2023 की धारा 11 के तहत सभी गैस बेस्ड उत्पादन स्टेशनों को निर्देश जारी किए गए हैं कि इस धारा के अनुसार सरकार निर्देश दे सकती है कि एक उत्पादन कंपनी असाधारण परिस्थितियों में सरकार के निर्देश के अनुसार किसी भी उत्पादन स्टेशन को ऑपरेट और उसका रखरखाव देख सकती है। वही गैस बेस्ड उत्पादन स्टेशनों के एक महत्वपूर्ण हिस्से को फिलहाल जो है कमर्शियल कारणों के चलते इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इस आदेश का उद्देश्य आगामी ज़्यादा मांग पीरियड के दौरान गैस आधारित उत्पादन स्टेशन से बिजली की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। यह आदेश जो है इस साल यानी 1 मई से 30 जून तक बिजली उत्पादन सप्लाई के लिए वैलिड है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो गूगल क्रोम यूजर्स को लगा है बड़ा झटका, आया है नया फीचर, अब चुकाने होंगे मंथली पैसे।
गूगल क्रोम ऐसा ब्राउजर जिसका इस्तेमाल जो है पूरी दुनिया यहाँ पर करती है। इसका उपयोग करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी जो सब्सक्रिप्शन जो है वो नहीं लेना पड़ता है और मुफ्त में काफ़ी सारी सुविधाएं मिल जाती है। लेकिन अब गूगल क्रोम का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बुरी खबर है। दरअसल अब गूगल क्रोम का इस्तेमाल में मुफ्त जो है आप नहीं कर पाएंगे। दरअसल गूगल क्रोम का इस्तेमाल करने वाले लोगों को पैसा देना होगा। दरअसल आपको बता दें कि हाल में गूगल ने यहाँ पर क्रोम इंटरप्राइज प्रीमियम नाम से एक नया फीचर ऐड किया है जो पेड फीचर है। बहरहाल ये फीचर खास तौर पर ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। कंपनी ने कहा है कि ये फीचर आम यूजर्स की तुलना में ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस एडिशनल को सिक्योरिटी की लेयर जो है यहाँ पर उनको देगा। वही गूगल क्रोम में सिक्योरिटी और भी सख्त हो जाएगी। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि इसको आप इस्तेमाल करने वालों के साथ स्पैम हैकिंग और फिशिंग जैसे जो यहाँ पर सबाब जो है वो उनको यहाँ पर नहीं बनना होगा, यानी हैकिंग स्पैम और फिशिंग जैसे कारणों से यहाँ पर सबाब में नहीं बनना पड़ेगा। वही इंटरप्राइज प्रीमियम फीचर का यहाँ पर आम क्रोम यूजर्स के लिए कोई काम नहीं है, बल्कि बिजनेस चलाने वाले ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले लोगों के लिए फीचर ये फेस फिलहाल किया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दें ताकि रोजाना आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे।